जेमिनी वाले हैं, वो बोलने चालने में बड़े तेज होते हैं, बहुत शरीर भी उनका लंबा अच्छा होता है, तो वो या तो जाते हैं साइंस की तरफ, इंजीनियर बनते हैं। लेकिन ये जेमिनी वाले ना सब कुछ बन जाते हैं एक्चुअली, तो साइंस में भी चले जाते हैं और फिर सीए भी बन जाते हैं, ये डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो नॉर्मली ये हर फील्ड में दिखाई देंगे आपको, और मैनेजमेंट में भी चले जाते हैं, फाइनेंस में मतलब बैंकिंग में भी चले जाते हैं और राइटिंग में भी चले जाते हैं। तो ये जेमिनी एक ऐसा वो है, लगन है जो जिसको कि हर लिखाई पढ़ाई के काम में दिखाई दे सकता है, और डॉक्टरी में भी, क्योंकि डॉक्टर के लिए मरकरी एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेनेट है डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा होना चाहिए मरकरी तभी डॉक्टर बनता है। तो इसके लिए, इसीलिए क्योंकि मरकरी का लगन है इसलिए डॉक्टर भी बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये सीए बनते हैं या ये इंजीनियर बनते हैं। इनका दो मुख्य प्रोफेशन जो है ना, सीए और इंजीनियर। चौथा नंबर में कर्क लगन में, ये अधिकांश है ये बिल्कुल ही साइंस की तरफ नहीं इंटरेस्ट होता इनका। इनकी खास पहचान क्या है, इनके बाल खूब होते हैं, अच्छे लंबे चौड़े, मतलब मोटे बाल होते हैं, ठीक, बिल्कुल उड़ते नहीं है, हमको बुढ़े हो जाए जाए 80 साल के, लेकिन बाल वैसे की वैसे रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान है। और इनका गोल चेहरा होता है, ज्यादा हाइट नहीं होती है, हर चीज का डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे बहुत लंबी, हर चीज को पहले समझेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। और सीए और फाइनेंस की साइड में मतलब ये लोग ज्यादा दिखाई देंगे। साइंस में बहुत मैंने देखा है कि अधिकांश अगर चला भी गया गलती से तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाता है फाइनेंस की साइड में या मैनेजमेंट की साइड में या एचआर की साइड में चला जाता है। फिर सिंह लगन वाले, ये बिल्कुल उड़ते हैं, कर्क लगन से बिल्कुल उल्टे हैं, बाल एकदम हल्के, एकदम बहुत जल्दी गंजे होने वाले। फिर उसके बाद बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, साइंस में, हर तरह की साइंस, साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादातर दिखाई देंगे, या तो बिजनेस में मिलेंगे या अपना काम कर रहे होंगे, जॉब में होंगे तो बहुत बड़ी पोस्ट पे होंगे, ऐसे ही अगर मतलब छोटी पोस्ट पे ये काम नहीं कर सकते, किसी के नीचे दब के काम नहीं कर सकते। कन्या लगन वाले अधिकांशतः साइंस में जाते हैं, फाइनेंस में भी जाते हैं, लेकिन इनका फिजिक्स जो है ना एक मेन सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इनके लिए, तो ये या तो बैंकिंग में दिखाई देंगे, लेकिन ये जॉब बड़े अच्छे से करते हैं, लंबी आराम से, मतलब ये ज्यादातर अपना काम करने की बजाय जॉब में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। कर्क वाले जो है ना, मैं एक बात बता दूं, ये कर्क वाले इंडिपेंडेंट जॉब नहीं कर पाते, सिंह वाले जैसे इंडिपेंडेंट जॉब करते हैं, तो कर्क वाले इंडिपेंडेंट जॉब नहीं कर पाते, उनको कोई ना कोई या तो पार्टनर चाहिए, वो काम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कर्क वालों को। ऐसी कन्या में भी ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की बड़ी वो रहती है कि वो यही सोचते रहेंगे कि मैं अकेला कैसे करूंगा, अगर ये फंस गया तो क्या करूंगा मैं, तो वो डरते हैं उस तरह से, इसलिए इंडिपेंडेंट काम करते हैं। तो अगर उनको कोई साथ मिल जाए, और पर्टिकुलरली इन दोनों को ही सिंह लगन का साथ मिल जाए, तो ये बहुत जल्दी से उसका साथ ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये बिजनेस में लग जाते हैं। तुला लगन वाले, बैकग्राउंड तो उनका साइंस रहता है, पढ़ने में तो साइंस पढ़ते हैं, लेकिन काम जो करते हैं बिजनेस करते हैं, नॉर्मली दे विल ट्राई टू गो फॉर बिजनेस, थोड़ा टाइम हो सकता है अपना जॉब भी करें, लेकिन उनकी हमेशा भड़क रहती है कि मैं बिजनेस करूं, बड़ा काम करूं, वो छोटे काम से अपने को सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, उनको बड़ा काम यानी कि करोड़ों में चाहिए, कोई भी काम लाखों का जो है ना उनको पसंद नहीं आता, तो इसीलिए वो बिजनेस में चले जाते हैं, और या
बीटेक करके एमबीए कर लेंगे, फाइनेंस का भी कुछ कोर्स कर लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन उनका काफी पॉपुलर कॉम्बिनेशन है।